8% people, those who are married, they also go to massage parlors. Why? Because they are feeling bored now. जैसे ही आप अंदर जाते हो कुंडी लग जाती है जो मसाज कर रही होती है, 15 मिनट के अंदर आपसे पूछ बैठती है, सर कोई एक्स्ट्रा सर्विस लोगे क्या? एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब वही होता है। अब जिन लोगों के पास पैसा भी नहीं है, जो ठीक ठाक दिखने वाले भी नहीं है, वो क्या करें? वो अपने हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर पूरी हर कोई कर रहा है। अब खुद सोचिए, आपने एक घंटे में 4,000 रुपया खत्म कर दिया, क्या आप एक घंटे में 4,000 रुपया कमा सकते हैं? नमस्कार, तो कहिए कैसे हैं आप। मेरा नाम है राघव रघुवंशी। अब ये क्वेश्चन आता है कि साहब आखिर क्यों हमें मसाज पार्लर्स में जाने की जरूरत पड़ रही है। क्वेश्चन आता है कि साहब आखिर क्यों हमें स्पा पार्लर्स में जाने की जरूरत पड़ रही है। अब जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो ये कहेंगे, अरे मसाज तो बहुत बढ़िया होती है बॉडी के लिए साहब, मसाज कराने से रिलैक्स फील करते हैं, मसाज कराने से स्ट्रेस कम हो जाता है, मसाज कराने से बॉडी में ग्लो आ जाता है। बहुत बढ़िया साहब, ये वो सच है जो दुनिया वाले जानते हैं, जो बाहरी लोग जानते हैं, मगर मसाज पार्लर्स के अंदर क्या होता है ये कोई नहीं जानता। मैंने बहुत पहले इस पर एक वीडियो बनाई थी जिसको करीबन 2,00,000 लोगों ने आज देख लिया है। आप देखना इस वीडियो को, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आपको वो वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें आपको पता लगेगा कि आखिर दिल्ली के मसाज पार्लर्स में, स्पा सेंटर्स में होता क्या है। अब आते हैं इस वीडियो पर साहब, हमें वास्तव में मसाज पार्लर्स में जाने की जरूरत पड़ क्यों रही है? क्यों लोग मसाज पार्लर्स में जाते हैं? क्यों लोग स्पा पार्लर्स में जाते हैं? क्यों लोग आदी हो गए हैं इन चीजों के? क्या वास्तव में हमारी जिंदगी में इतना स्ट्रेस आ गया है कि हमें मसाज पार्लर्स में जाने की जरूरत पड़ रही है, कोई हमारी मसाज करे और हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी से स्ट्रेस चला जाए? क्या हमें सच में रिलैक्स की इतनी जरूरत है या कोई और ही कारण है? देखो क्या कारण है मैं बता देता हूं साहब, 2 लाइनों में आपको बताता हूं, वीडियो शॉर्ट कर दूंगा, देखो बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाता हूं। एक बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं अब्राहम मैस्लो साहब, उनकी नीड्स की एक हायरार्की है, ये दिख रही होगी आपको, और वो ये कहते हैं कि मनुष्य की जो प्राइमरी नीड्स है ना, रोटी कपड़ा मकान, इसके साथ साथ मनुष्य की एक और प्राइमरी नीड होती है, सेक्सुअल डिजायर, प्लेजर। ठीक है साहब, अब यहां पर मनुष्य वो जो डिजायर है वो पूरी करना चाहता है। यहां पे मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो बड़े धार्मिक हैं साहब, जो बड़े धार्मिक हैं, यहां पे तो मैं बात कर रहा हूं उनकी को, ये तमोगुण वालों की। ठीक है, जो तमोगुण वाले हैं और जो ये हो गए आपके रजोगुण वाले, ये लोग। अब बात ये आती है, समझिए जरा, जिनकी शादी हो गई वो तो खैर चैप्टर क्लोज है, ठीक है, मगर आपको बड़ी हैरानी होगी मैं बता दूं आपको, 8% पीपल, दोज हु आर मैरिड, दे ऑल्सो गो टू मसाज पार्लर्स। वाई? बिकॉज दे आर फीलिंग बोर नाउ, उन्हें कुछ नया चाहिए। ये सच है साहब, अब समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अगर आप दिखने में अच्छे हो, अगर आपके पास पैसा अच्छा है, तो आप एक गर्लफ्रेंड बना लोगे, आप ठीक है कहीं ना कहीं आप इंजॉय कर लोगे अपनी लाइफ को, ठीक है, मगर उनका क्या साहब जो दिखने में ठीक ठाक नहीं है? मैं सच बता रहा हूं आपको, ये जो दिखने में ठीक ठाक नहीं है, या ऐसा नहीं है दिखने में ठीक ठाक नहीं है, जिनकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है साहब, जो बड़े शाय हैं, वो क्या करें, उनको भी तो नीड पूरी करनी है, बट उनके पास पैसा ठीक ठाक है तो वो क्या करें, वो यहां जाते हैं साहब। कहां? मसाज पार्लर्स में, स्पा पार्लर्स में, वो यहां से अपनी डिजायर्स पूरी करते हैं। अब आप बोल रहे हो गए, अरे पागल हो गया क्या, मसाज पार्लर्स में ऐसा क्या होता है? ऐसा ही होता है साहब, ऐसा ही होता है। 45 मिनट्स मसाज, 15 मिनट का शावर, मिनिमम रुपए 799। जैसे ही आप अंदर जाते हो कुंडी लग जाती है जो मसाज कर रही होती है, 15 मिनट के अंदर आपसे पूछ बैठती है, सर कोई एक्स्ट्रा सर्विस लोगे क्या? एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब वही होता है, एक्स्ट्रा सर्विस के बाद और भी मसाज आती है साहब, B2B मसाज होती है, और भी तगड़ी मसाज होती है, समझ रहे हैं? और मनुष्य क्या काम करता है, पैसे देता है अंदर और अपनी डिजायर पूरी करके आ जाता है। क्या करें भाई, डिजायर तो पूरी करनी ही है क्योंकि प्राइमरी नीड है, ठीक है। अब जिन लोगों के पास पैसा भी नहीं है, जो ठीक ठाक दिखने वाले भी नहीं है, वो क्या करें, वो अपने हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर पूरी हर कोई कर रहा है।
पूरी हर कोई कर रहा है। आप देखिए जितने बड़े से बड़े मसाज पार्लर्स हैं वहां पे यही हो रहा है, वहां पे यही हो रहा है साहब। आप चले जाइए कहीं भी दिल्ली के किसी मसाज पार्लर्स में, आप चले जितना बड़ा मसाज पार्लर होगा, आप चले जाइए महिपालपुर और एनीवेयर इन दिल्ली और दिल्ली एनसीआर, यू विल फाइंड द सेम थिंग्स विच इज हैपनिंग इन मसाज पार्लर्स और स्पा पार्लर्स। दैट्स करेक्ट। बट दिक्कत यह है कि यार क्या ये वास्तव में ठीक है? क्या हम अपनी संभोग या अपने शॉर्ट टाइम प्लेजर को पूरा करने के लिए इतना पगला गए हैं कि बस चंद मिनटों के लिए हम 6,000 रुपए फूंक देते हैं? जरा से चंद मिनटों में 6,000 रुपए गए सब। 45 मिनट के अंदर आपको 1,000 रुपया देना है, ठीक है? और अगर आप कोई और एक्स्ट्रा सर्विस ले रहे हो, आपको 3,000-4,000 रुपया और एक्स्ट्रा देना होगा और खत्म। अब खुद सोचिए, आपने 1 घंटे में 4,000 रुपया खत्म कर दिया। क्या आप 1 घंटे में 4,000 रुपया कमा सकते हैं? अगर आप 1 घंटे में 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो ठीक है, करिए साहब, मगर 1 घंटे में आपने 4,000 रुपया खर्च कर दिया, क्या ये ठीक है? समझिए साहब, 4,000 में आप कुछ अच्छा खरीद सकते थे अपने लिए, आप कुछ अच्छा खा सकते थे, आपकी बॉडी में वो लगता, मगर नहीं। क्योंकि इंसान काम के चक्कर में इतना परेशान हो जाता है, काम मतलब काम वर्क वाला काम नहीं, काम मतलब सेक्सुअल डिजायर्स, उसमें इतना परेशान है, वो ढूंढता रहता है कि यार कहां कुछ मिल जाए, ठीक है? तो ये एक कारण है हम मसाज पार्लर्स में जाने के इतने आदी हो गए हैं कि साहब हमें जाना ही है, हम क्या करें अब? इसका सॉल्यूशन है साहब, गीता पढ़ना शुरू करिए, ठीक है, भजन सुनना शुरू करिए। मैं सच बता रहा हूं, आपको ये चीजें ऑकवर्ड लगेंगी, अगर नहीं करना मत करिए, बुक्स पढ़ना शुरू करिए यार, इंटरनेट आपके पास है, अच्छी चीजें देखिए वहां पे ही क्यों जाना है आपको? 4,000 रुपया 5,000 रुपया खर्च कर दिए केवल 1 घंटे के अंदर, आपको बाद में रियलाइज भी होता होगा यार 5,000 रुपये चले गए 1 घंटे के अंदर, तो करना क्यों फिर? ऐसा मत करिए, आप इन चीजों से बाहर निकलिए, बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों के कनेक्शन में आइए और बाहर निकल जाइए, आपको इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट हाँ, अगर आप मसाज के पर्पस से जा रहे हैं, डू दैट, जाइए। बट अगर आप उस काम के लिए जा रहे हैं तो आप अपना पैसा भी खराब कर रहे हैं, आप अपना शरीर भी खराब कर रहे हैं, क्लियर हो गई? गीता में श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो लोग कामी होते हैं उनसे मैं दूर भागता हूं, उनके काम भी कभी नहीं बनते हैं साहब, क्योंकि आपके दिमाग में काम चलता रहेगा, आप ढूंढते रहोगे लड़कियों को, ऑफिस में भी देखते रहोगे आगे से पीछे से लड़कियों को, बट क्या करोगे फिर बाद में? कहीं ना कहीं मसाज पार्लर स्पा पार्लर्स में जाके गलत काम करोगे। निकलो बाहर, इन चीजों से, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।